गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द टॉपिक इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यू नो व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, सो लेट्स हैव अ लुक अगेन। व्हेन टू और मोर नेचुरल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन द रिजल्ट इज कॉल्ड देयर प्रोडक्ट। जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है, वी कॉल दैट नंबर प्रोडक्ट। ओके, जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, वी गेट 15, सो द प्रोडक्ट इज 15। सो ईच ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट। जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका क्या है? फैक्टर। तो दैट मीन्स फैक्टर वो नंबर होता है जो एग्जैक्टली उस नंबर को डिवाइड करता है। जैसे 15 है, 15 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। और जो ये प्रोडक्ट है, ये इनका क्या है? मल्टीपल। क्योंकि देखिए, 3 5 जा 15 और 5 3 जा भी 15, यानी ये इसका मल्टीपल है। और जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाता है उसको क्या कहते हैं? फैक्टर्स। दस अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नेचुरल नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर। यानी वो नेचुरल नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड एग्जैक्ट कर देता है उसको उसका फैक्टर कहते हैं, ऑफ दैट गिवन नंबर, एंड द गिवन नंबर इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। और जो आंसर आता है वो उस नंबर की क्या है, जो मिल रहा है वो उस नंबर्स के क्या है? मल्टीपल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, एज 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। 3 5 ज़ा कितना होता है? 15। एंड 1 15 ज़ा भी 15। सो कौन कौन से नंबर? 1, 3, 5 एंड 15 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 15। क्योंकि हम 15 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 से। और एंड 15 इज़ अ मल्टीपल। और 15 किस किस का मल्टीपल है? 3 का, हाँ, ऑफ ईच नंबर्स। कौन कौन से का? 1 का, 3 का, 5 का, क्योंकि इसका प्रोडक्ट यही आता है। सेम वे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12। सो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, क्योंकि हम इनको 12 को इन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, कुछ इतना तो आपको समझ आ गया, द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16। यानी जो नंबर एग्जैक्टली, इतना ही याद रखिए कि जो नंबर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है वो उस नंबर के क्या होते हैं? फैक्टर्स। और जो नंबर से उनका हमें, जिससे हम लोग क्या कर रहे थे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उनको क्या कह रहे हैं? द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, कैसे? जैसे 4 का मल्टीपल है 4, 4 टू ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो 4 के जो टेबल में देखिए सब नंबर्स आ रहे हैं, तो ये क्या है? इसके मल्टीपल्स हैं, है ना। द मल्टीपल्स ऑफ 14, और 14 के मल्टीपल्स 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42। यानी इनको हम लोग, ये इसके मल्टीपल्स हैं, इनकी टेबल में आ रहे हैं। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी नोटिस दैट, इन सब एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ क्या क्या समझ आई? वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वन को हम, किसी भी नंबर को हम वन से डिवाइड कर सकते हैं। 15 को भी वन से, भी वन 15 सा, है ना, डिवाइड कर सकते हैं। द ओनली फैक्टर ऑफ वन इज़ वन इट्सेल्फ। और जो वन है उसका फैक्टर खाली वन ही है, क्योंकि खाली वन को हम वन से ही डिवाइड कर सकते हैं। एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। और हर नंबर अपने आप का फैक्टर है, क्योंकि हर नंबर को हम अपने आप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो 12 है, तो हम इसको 12 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, ना। एवरी नंबर अदर देन वन, वन के अलावा हैज़ एटलीस्ट टू फैक्टर्स। हर नंबर का अदर देन वन, वन का तो क्या एक ही फैक्टर है क्योंकि वो वन से ही हो रहा है, हैज़ एटलीस्ट टू फैक्टर्स, नेमली वन एंड इट्सेल्फ। एक तो वन से कर सकते हैं और एक खुद से, वन तो खुद ही है इसलिए वन और इट्सेल्फ। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। कोई भी फैक्टर होता है नंबर का, वो लेस देन होता है या इक्वल टू उस नंबर के। एवरी नंबर हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। हर नंबर के निश्चित नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, मतलब उसके एक लिमिटेड, फाइनाइट मतलब लिमिटेड नंबर्स ऑफ फैक्टर होते हैं। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। और हर नंबर का अपना, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ, अपना ही मल्टीपल होता है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इट्सेल्फ। और एवरी मल्टीपल यानी हर मल्टीपल
इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा होता है या अपने बराबर होता है. एवरी नंबर हैज़ अ इनफिनाइट नंबर ऑफ इट्स मल्टीपल्स, और इनफिनाइट का मतलब कोई सीमा नहीं है. ओके, अब कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, द फैक्टर्स ऑफ 12. अब 12 के फैक्टर आपको पता है कि हम लोग 12 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 12 से भी. ये सब फैक्टर्स हैं. दैट मीन्स फैक्टर्स वो नंबर जो इसको पूरा डिवाइड करते हैं. द फैक्टर्स ऑफ 18. अब 18 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो. 1 तो हर फैक्टर होगा, हर नंबर का फैक्टर 1 होगा और खुद होगा. देखिए ये 12 यहाँ भी है, है ना, 1 भी है इसमें, 12 भी है, 18 में भी 1 भी है और 18 भी है, दिख रहा है ना. अब 2 से भी आप 18 को डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी, 3 6 ज़ा 18 होता है, 6 3 ज़ा 18 होता है और 9 2 ज़ा 18. अब देखिए, नोट दैट द नंबर्स, अब इसमें देखिए 1 और 1 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, 4 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में है, बाकी कोई नंबर नहीं है. सो नोट द नंबर्स 1, 2, 3, 6 आर द फैक्टर्स बोथ ऑफ 12 एंड 18. यानी 1, 2, 3 एंड 6 12 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है. डू यू अंडरस्टैंड. अब देखिए द फैक्टर्स ऑफ 8 आर, अब जो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या हैं, 1 से डिवाइड हो जाता है, है ना, 1 8, ठीक है ना, आप कर सकते हो 1 8 को 1 से डिवाइड कर सकते हो ना. 2 से हो जाता है 2 4, 4 से 4 2 ज़ा, और 8 से तो होता ही है 8 1 ज़ा 8, है ना, डिवाइड हो जाता है. अब 15 के क्या क्या है, 1 से 1 तो दोनों में कॉमन है, 3 5 एंड 15, तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1. अब देखिए द मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स, 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से हो रहा है, है ना. अब देखिए और मल्टीपल्स पूछा है, यहाँ हमें फैक्टर्स पूछा था, मल्टीपल्स पूछा था, तो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, है ना. मल्टीपल्स ऑफ 6 के कौन, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18. अब उसके आगे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि इसके आगे यहाँ 36 पे स्टॉप हो गया था. अब इसमें देखिए, नोट द नंबर्स ऑफ 12 कॉमन है, 24 भी कॉमन है एंड 36 भी कॉमन, आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 4 का भी है 6 का, दे आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6. तो ये सब इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब किस किस तरह के नेचुरल नंबर्स होते हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स, ये आपने पहले भी पढ़े. इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाते हैं, 2 से. इनका लास्ट नंबर क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8. देखिए इवन नंबर्स एंड विद द सीरीज 0, 2, 4, 6, 8, यानी जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इवन नंबर्स. फिर होता है ऑड नंबर्स. अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नेचुरल नंबर. चिल्ड्रन, इवन एंड ऑड यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, सो यू नो द नंबर्स एंडिंग विद 1, 3, 5, 7, 9 आर ऑड नंबर्स. ओके, तो आपको इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. सो अभी आज हम खाली कितना ही पढ़ेंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ा. तो यानी फैक्टर्स वो नंबर थे जो एग्जैक्टली उस नंबर से डिवाइड होते हैं, मल्टीपल्स उन दोनों के, जब हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वो उन दोनों के क्या हैं, जिस नंबर से हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें मिल रहा है प्रोडक्ट, तो वो उसके मल्टीपल्स हो गए जिस जिस नंबर से उसको हमने किया. ओके, और उसके बाद आज हमने पढ़ा इवन नंबर और ऑड नंबर. इवन नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स, एंड ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर्स. द नंबर्स एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 आर 8 आर इवन नंबर्स, एंड द नंबर एंडिंग विद 1, 3, 5, 7 आर नोन एज ऑड नंबर. सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टडी up to this only, and in next class we will study about some more numbers, that is the types of natural numbers. Till then, stay home and stay safe. Thank you.